ये मैं और अमन भाई अभी बनारस की पतली पतली गलियों में से हम निकल रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, ये है बनारस में श्रीजी की फेमस मलाई। सौरभ जी कितना पुराना है ये दुकान? 100 प्लस है भैया। बनारस के फेमस श्रीजी की मलाई है ये। आप देखिए मेरे पीछे ये शॉप है, सुबह खुल जाती है ये 8 बजे और 10 बजे तक सारी मलाई इनकी ख़त्म हो जाती है। कैसा लग रहा है ये? बहुत बढ़िया। अच्छा है, मस्त है। कैसा लगा आपको? मैं आ चुकी हूँ पहले भी, अच्छा है, इसीलिए इसी शॉप पर आए। लंका से यहाँ आते हैं खाने के लिए। आपको बहुत अच्छा लगा? डेली खाते हो आप? काफ़ी अच्छी लगती है आपको? हाँ। तो यहाँ के अलावा कहीं और भी ट्राई नहीं करें? ये मैं और अमन भाई अभी बनारस की पतली पतली गलियों में से हम निकल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से निकलने का, यहाँ पे घूमने का एक अलग ही मज़ा है। ये है बनारस में श्री जी की फेमस मलाई। आप देख रहे हैं अभी कितने कितने वाली है, खाएंगे? 30 है, 60 है और फिर उसके ऊपर बहुत है। 450 रुपए किलो है भैया। अच्छा। सौरभ जी कितना पुराना है ये दुकान? 100 प्लस है भैया। 100 साल से ऊपर हो गया? हाँ। देखा आपने, 100 साल से ऊपर हो गए हैं शॉप को और बहुत बिजी है अभी दुकानदारियों की, इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप पीछे लाइन लगी हुई है। जो भी आता है बनारस घूमने के लिए वो श्रीजी की मलाई जरूर खाता है। वैसे तो बहुत जगह मिलती है मलाई, लेकिन यहाँ की बहुत फेमस है। सौरभ जी ये पूरा दूध का बनाया हुआ है ना? पूरा दूध है, दूध है, इलायची है, केसर है, गुलाब जल है, काफ़ी कुछ मिक्स किया है। तो डेली सवेरे बनाते हैं आप? डेली मॉर्निंग में। बनारस के फेमस श्रीजी की मलाई है ये। आप देखिए मेरे पीछे ये शॉप है, सुबह खुल जाती है ये 8 बजे और 10 बजे तक सारी मलाई इनकी ख़त्म हो जाती है। बहुत जगह मिलती है वैसे तो मलाई, लेकिन ये बहुत फेमस है। अभी बात करी मैंने, इन्होंने बताया कि ये 100 साल से पुरानी शॉप है। जो भी घूमने आता है बनारस, ज़्यादातर लोग यहाँ पे आके खाते हैं इस मलाई को। काफ़ी रश होता है, देख सकते हैं रेगुलर रंग की सेल हो रही है। अगर आप लेट हो गए 10 बजे से तो फिर शायद आपको नहीं मिल पाएगी। आप कहाँ से आए हैं? पुणे से। घूमने के लिए आए थे यहाँ पे? जी। और यहाँ के बारे में कैसे पता चला? गूगल। गूगल। कैसा लग रहा है ये मलाई? बहुत बढ़िया। अच्छा है, मस्त है। हम बनारस के हैं, ये बाहर से, पटना, पटना से। तो आप? मेरी फ्रेंड। पर ये नहीं खा रहे और आप खा रहे हैं? इन्होंने खा लिया। कैसा लगा आपको? मैं आ चुकी हूँ पहले भी, अच्छा है, इसीलिए इसी शॉप पर आए। बेस्ट लगती है बनारस में? बेस्ट। लंका से यहाँ आते हैं खाने के लिए। अच्छा। ये मेरे बेटा को। आपको ठीक लगी? बहुत अच्छा लगा एकदम। पहले भी खाई आप लोगों ने? हाँ पहले भी, बहुत। हम लोग हमेशा खाते रहते हैं। आप खाते रहते हैं? जी अक्सर मुझे ही लेके आते हैं। डेली खाते हो आप? काफ़ी अच्छी लगती है आपको? हाँ। तो यहाँ के अलावा कहीं और की ट्राई नहीं करी आपने? ये बेस्ट होती है क्योंकि ये सबसे पहली दुकान है जो मलाई कह लीजिए बनारस में लाई है, और ये अभी रिनोवेट हुई है। बनारस की गलियों में ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें कि आप खोजते रह जाएंगे, आप एक्सप्लोर करते रह जाएंगे। और क्या है यहाँ पे खाने के लिए जो अलग और डिफरेंट? चौड़ी सब्जी यहाँ की फेमस है। और मलाई पूरी? मलाई पूरी। मलाई पूरी वो कहाँ पे मिलती है? ये खटेरी बाजार है ना, आगे में ही जाते हैं। वो भी अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। रबड़ी, रबड़ी यहाँ की बेस्ट है। और वो थोड़ा गली, इधर ही साइड गली में मिलेगी क्योंकि ये सब ऑथेंटिक काशी है ना, यहीं मिलेगा। पुरानी गलियाँ हैं तो यहाँ पर पुरानी शॉप्स मिलेंगी। हाँ। उनका टेस्ट भी अच्छा होगा। बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू। भैया देना।